तो करेंगे अगली खबर का। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का राजस्थान दौरा चल रहा है। उन्होंने जयपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर के सुबोध कॉलेज में राजस्थान एनसीसी कैडेट्स की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजस्थान के उप महानिदेशक एयर कमोडोर एलके जैन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान में चल रही एनसीसी गतिविधियों की उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हमारा विपक्ष बहुत गैर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, उनके कंधों पर हाथ रखने वाले भारत नहीं जोड़ सकते। उन्होंने आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रेस वार्ता भी की। इसमें उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना में कोई बदला नहीं होगा, पूरा अध्ययन करने के बाद योजना सामने लाई गई है। जानते हैं अत्याधुनिक जो हमारा रिक्रूटमेंट होता था उसी पर आज भी हो रहा है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। अग्निपथ जो है पूरी दुनिया की सेनाओं का अध्ययन करके हर राष्ट्र का किया है, हमने जो बाहर गए अध्ययन करने के बाद निकाला गया है, कहीं कहीं तो एक साल के लिए ही रखते हैं। ये सर्वोत्तम हम कैसे कर सकते हैं, ये नमूना इसलिए हम आगे पेश किए हम दुनिया से लेके, और इसी में से 25% अंदर जाना है, 75 बाहर आना है। मैं भी फर्स्ट क्लास हूं, आप भी फर्स्ट क्लास हैं, आप भी फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन आप मेरिट में टॉप हैं तो आप अंदर चलेंगे। झुंझुनू में सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, ये सवाल हम नहीं कर रहे बल्कि सियासी गलियारों में हो रहा है, क्योंकि अपने दबंग छवि के रूप में पहचान जाने वाले सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गोढ़ा अचानक झुंझुनू पहुंचे और एसपी कार्यालय में एसपी मृदुल कछावा से मुलाकात की। करीब 15 से 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत को लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले दिनों एसपी मृदुल कछावा ने गुढ़ा गौड़जी एसएचओ संजय वर्मा को लाइन हाजिर कर दिया था, तब से थाने में नया एसएचओ भी लगाना था। वहीं एसएचओ संजय वर्मा मंत्री गुढ़ा के चहेतों में शामिल है।